अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद जैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से पैसे अर्न कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल्स की क्या क्या सेटिंग्स हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें हम वीडियोज़ के अंदर देख रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कैनवा क्या है और किस तरह से कैनवा हमारी हेल्प कर सकता है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। ठीक है, सो किस तरह से कंटेंट अपलोड करने में जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल चैनल आर्ट हमें चाहिए अपने चैनल के लिए, हमें लोगोज चाहिए, हमें चाहिए थंबनेल्स, सो ये तमाम चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम इनके बारे में तो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर इन तमाम चीज़ों का डिटेल में बताऊँगा कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। लेकिन अभी तक आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि अपने ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको canva.com सर्च करना है। जब आप canva.com सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट शो होगी जो कि है canva.com। ठीक है, आपने इस पर जाना है और जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कैनवा पर अकाउंट क्रिएट करना बहुत ईजी है। आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पर जाना है और जाकर सेलेक्ट करना है साइन इन विद गूगल। जब आप साइन इन विद गूगल सेलेक्ट करेंगे तो इससे होगा ये कि आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपके किसी भी जीमेल अकाउंट के ऊपर। सो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, आपका अकाउंट बन चुका होगा, तो फिर उसके बाद ये पेज आपको शो होगा। ठीक है, सो कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपकी हेल्प करती है डिफरेंट पोस्ट डिज़ाइन करने में। सो आपके किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट अगर आपको चाहिए तो कैनवा पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस अगर आप इस पेज को स्क्रॉल करें, सो यहाँ पर रिकमेंडेड के ऑप्शन है, सोशल मीडिया, इवेंट्स, मार्केटिंग, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, स्कूल और पर्सनल। सो बेसिकली ये तमाम वो कैटेगरीज है जिसको कैनवा डील करती है और आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया के अंदर वो दिखा रहा है कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, एनिमेटेड सोशल मीडिया के कोई भी पोस्ट बना सकते हैं। और ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है वो डिज़ाइंस जो कि मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है, या फिर जिन पर मैंने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो थंबनेल है जो कि मेरी उस वीडियो पर लगा हुआ है जिसमें हमारे चैनल टीच मी टेक्निकली पर जब मोनेटाइजेशन ऑन हुई थी तो हमने यूज़ किया था। सो ये वो थंबनेल है जो कि मैंने कैनवा की मदद से बनाया था। ठीक है, इसको अगर हम स्क्रॉल करें मज़ीद तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं हमारे पास लोगोस। सो यहाँ से हम अपने लोगोस भी बना सकते हैं। ठीक है, मज़ीद स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकती हैं। अगर हम इस इमेज की जगह मैं अपनी इमेज लगा दूँ तो काफ़ी एक अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम पोस्ट बन सकती है। ठीक है, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस आप फेसबुक की कोई पोस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना कमाल का इफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, सो इनमें से काफ़ी पोस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके अंदर आपको पे करना पड़ता है कैनवा को। इन केस अगर आपको वो पोस्ट पसंद आती है जिसमें आपको कैनवा को पे करना पड़ता है तो आपको क्या करना होगा कि क्रेडिट कार्ड अटैच करें और पे कर दें। और अगर आप यूट्यूबर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और आप पे नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि कुछ फ्री जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर एक कैटेगरी है मेरे पास यूट्यूब थंबनेल्स की। ठीक है, सो आपको अपने यूट्यूब के लिए जो थंबनेल्स बनाने हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। वो कैसे बनेंगे और किस तरह से टोटल काम होगा, अपलोड कैसे होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताता रहूँगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगर आपको कोई पोस्टर डिज़ाइन करना होता है, आपको ज़रूरत है किसी पोस्टर की, तो आप कैनवा की मदद से वो भी कर सकते हैं। इन केस आपको प्रेजेंटेशंस के रिलेटेड कोई काम करना है तो भी आप कैनवा को यूज़ करें। और अगर आपको अपने फेसबुक पर कवर्स लगाने हैं, आपका कोई ब्रांड है और उस ब्रांड के लिए आपको फेसबुक पर कवर लगाना है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, सो आप उसके लिए भी कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है, और इससे आप काफ़ी पैसे सेव भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो अगर आप उनको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके अंदर से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमेटेड सोशल मीडिया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट पोस्ट बना सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरीज,
सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि एक्चुअल में कैनवा डॉट कॉम है क्या और किस तरह से कैनवा डॉट कॉम आपकी मदद कर सकता है आपके चैनल को ग्रो करने में। अगर आपको चैनल आर्ट बनानी है तो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, अगर आपको कोई थंबनेल्स बनाने हैं वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। सो जो भी आपका ग्राफिक के रिलेटेड काम है जिसके अंदर आप ग्राफिक डिजाइनर को हायर नहीं कर सकते, वो आप काम यहाँ से काफ़ी हद तक कैनवा डॉट कॉम से फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद जैन अंजुम के लिए डिज़ाइन करेंगे चैनल आर्ट। अगर आपको चैनल आर्ट का नहीं पता तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हम डिज़ाइन करेंगे चैनल आर्ट कैनवा डॉट कॉम से और फिर उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। सो ये तमाम काम तो हमारे चलते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। और हमारे दोनों चैनल्स नंबर वन टीच मी टेक्निकली और नंबर टू जो कि चैनल मैं आपके सामने बना रहा हूँ मोहम्मद जैन अंजुम, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।